फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है, मैं प्रीत बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात रुपेश से हो? दोस्तों फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात हम कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने लाइव अभी आपको सुनाया है और जो यहाँ पे 2023 का लेटेस्ट तरीका है वही आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। 2023 के बेस्ट तरीका के बारे में, न्यू तरीका के बारे में लाइव आपको सिखाऊंगा, बस 4-5 बटन दबानी होगी, कॉल आपकी लग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वागत करेंगे दोस्तों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉयड जिंक्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से हम बात कैसे करते हैं आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फ़ोन में ना फ्लिपकार्ट ऐप को ही ओपन करना होगा। तो आइए मैं अपने मोबाइल फ़ोन में फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ऐप को आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए आपको अकाउंट वाले, सबसे पहले अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाना है। जब अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो आपका यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो किसी न किसी आप ऑर्डर से ही रिलेटेड बात करना चाह रहे होंगे तो ऑर्डर्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना सभी ऑर्डर्स यहाँ पर शो हो जाते हैं। अब जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको बात करना उस ऑर्डर पर क्लिक करिए और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा ऑर्डर से रिलेटेड। अब नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाइए, ठीक है। अगर नीचे नहीं ऑप्शन होगा तो ऊपर ही कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है नीड हेल्प का या फिर हेल्प का, इसी पे आपको जाना है। जैसे आप इस पे जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी डायरेक्ट नंबर भी आपको बताता हूँ कॉल करने के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा आसानी होता है तो मैंने सोचा कि दोनों प्रोसेस आपको क्यों ना बता दें ताकि आप अच्छे से कॉल कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना है कॉल मी, ये लिख के डायरेक्ट भेज दीजिए। तो फिर से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लिखिएगा कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर, कस्टमर केयर, ठीक है। फिर से मैंने मैसेज भेजा, देखिए अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट अ कॉल। तो रिक्वेस्ट अ कॉल पे आपको क्लिक करना है। किस भाषा में बात करेंगे, तो हम हिंदी में करेंगे तो हिंदी ले लेते हैं। और कौन से नंबर पे कॉल उधर से आए तो अपना नंबर यहाँ पे चूज कर लीजिए। अब ओके, यू विल रिसीव एन इमीडिएट कॉल ऑन द नंबर यू सेलेक्टेड। अब ऑटोमेटिक अभी मतलब 3 से 4 मिनट में जैसे कस्टमर केयर वगैरह बिजी होंगे ना तो खाली होकर डायरेक्ट वो कॉल कर देते हैं, ऐसे ही आप बात कर सकते हैं। अगर ऐसे ना आप बात कर पाएँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको नंबर दिखाना चाहूँगा फ्लिपकार्ट के साइड से। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर मैंने लिख के सर्च किया तो देखिए एक नंबर फ्लिपकार्ट का आता है, इस पर मैं जाऊँगा डायलर में जाऊंगा। देखिए उधर से आ ही गया कॉल, वो पहला वाला ट्रिक था, देख लीजिए पहले। हम फ्लिपकार्ट से कॉल कर रहे हैं और आप जल्द ही हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है, मैं प्रीत बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात रुपेश से हो रही है? जी मैम रुपेश बात कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका सब कराने के लिए। चेक कर पा रही हूँ सर, जो आपका लेटेस्ट ऑर्डर है वो एक क्लिप कवर है इन्फिनिक्स का, आपका कंसर्न इसके रिगार्डिंग है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है? जी जी मैम। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा तो यह पहला तरीका था, आइए दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका है कि इस नंबर को डायरेक्टली आप डायल करिए, जो नंबर है +91 44 45 61 47 00, इस नंबर पे कॉल करिए जिस नंबर से आप फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है, मैं इंडिया के साथ। फ्लिपकार्ट पर कॉल करने के लिए धन्यवाद। अपने ऑर्डर की जानकारी देखने या किसी तरह की बात के ऑर्डर पेज पर जाएं और अपने ऑर्डर की जानकारी देखने या किसी तरह की मदद पाने के लिए फ्लिपकार्ट ऐप के ऑर्डर पेज पर जाएं और हमसे चैट करने के लिए मदद चाहिए पर क्लिक करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों कॉल कट हो जा रही है क्योंकि अभी वही तरीका बता रहा है जैसे मैंने कॉल उधर से रिक्वेस्ट कॉल करवाया था, ठीक ना। तो ऐसे बातें कर लीजिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों